दोस्तों, अगर आप फॉरेक्स मार्केट में एक बिगिनर हैं या फिर लॉस कर करके थक चुके हैं तो यह ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो आज की डेट में शेयर करने वाला हूं, ये एक मैजिक का काम करने वाली है आपकी ट्रेडिंग में। और यह ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अगर आप सही तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं विद गिवन रूल्स, जो इसमें हम बात करेंगे उन रूल्स के साथ, तो आप देख सकते हैं आप अपनी ट्रेडिंग को जो है अगले कुछ महीनों में एक नेक्स्ट लेवल पर पाएंगे। और अगर आप एक लॉस कर करके एक लूजर की तरह अपने आप को ट्रीट कर रहे हैं तो वो आप करना बंद कर देंगे, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। लेकिन आपको एटलीस्ट इन रूल्स को फॉलो करना होगा। ये स्ट्रैटेजी जो मैंने यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, यह पावरफुल रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, इसको लगभग 6 या 7 महीने से मैं खुद अपनी ट्रेडिंग में इसको यूज़ करता हूँ एंड बिलीव मी, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। ये स्ट्रैटेजी लगभग 70-80% टाइम्स आपको विनिंग एज पर रखती है। So, वीडियो को पूरा देखिए, आई नो थोड़ा लंबा हो सकता है इसको एक्सप्लेन करने में, लेकिन बहुत ही आसान और पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होने वाली है। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। सो वेलकम बैक, माय नेम इज गिरीश एंड दिस इज लास्टली स्पोकन। दोस्तों, पावरफुल रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ये रिवर्सल ट्रेंड के खिलाफ होगा, लेकिन जो ट्रेंड है वो हो सकता है एक मेजर ट्रेंड हो या फिर एक माइनर ट्रेंड हो, इन दोनों के खिलाफ हम इसको ट्रेड करेंगे। किस तरह से, ये हम आगे सीखते हैं। उससे पहले ये देख लेते हैं कि ये हम डेली टाइम फ्रेम में इसको ट्रेड करेंगे, यानी जो हमारे पास टाइम फ्रेम पिक करेंगे 1 घंटे का 4 घंटे का नहीं, यहाँ पर हम डेली के कैंडल पर हम बात करेंगे। इसीलिए इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को मैंने बहुत आसान बताया है, क्योंकि जब भी आप छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं वहां पर नॉइज बहुत ज्यादा होता है, आपकी प्रिडिक्शन सही होती है, स्टिल मार्केट एक बड़ी सी स्पाइक लेके सीधे आपके डायरेक्शन में ही मूव करना स्टार्ट करती है। आपका स्टॉप लॉस जैसे ही हिट होता है उसके बाद वापस प्राइस आपकी तरफ, यानी जहां आपने प्रिडिक्ट किया था उसी तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए हम डेली कैंडलस्टिक पर ट्रेड करेंगे, जहां पर नॉइज वाला जो प्रॉब्लम है वो आप नहीं फेस करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का कौन कौन बेनिफिट ले सकते हैं। वर्किंग प्रोफेशनल्स, अगर आप एक 9 to 5 जॉब करते हैं, फुल टाइम ट्रेडर नहीं है, वो इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का फायदा उठा सकते हैं। दूसरा, अगर आप स्टूडेंट्स हैं, अगर आप ट्रेडिंग करियर बिल्ड करना चाह रहे हैं, धीरे धीरे शुरुआत है तो आपके लिए है। आप अगर एक, आपके पास बिजी लाइफस्टाइल है, अगर आप ट्रेडर भी हैं, फुल टाइम भी ट्रेडर हैं, लेकिन कहने का मतलब है आप ट्रेडिंग में ध्यान देते हैं, स्टिल साथ में कुछ और काम भी करते हैं, आपकी लाइफ बिजी है, फैमिली के साथ बिजी है, तो उस केस में भी आप कहीं ना कहीं इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। या फिर आप ऑफकोर्स बिगिनर हैं तो आपको ये जो है कहीं ना कहीं काम आने वाली है। या फिर आप मार्केट में एक ऐसी स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हैं जो कहीं ना कहीं एक विनिंग एज में रहे, और आप थक चुके हैं मार्केट में स्ट्रैटेजी ढूंढ ढूंढ के, यूट्यूब वीडियोस, इनफैक्ट आपने पूरा यूट्यूब छान मारा, स्टिल आपको एक स्ट्रैटेजी नहीं मिल रही है जो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट दे सके, तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए एक लास्ट चॉइस होने वाली है। इसके बाद आप स्ट्रैटेजी चेंज करना बंद कर देंगे। राइट, सो बात करते हैं ट्रेडिंग रूल्स के, क्या क्या रूल्स होंगे इस स्ट्रैटेजी के लिए। पहला, डेली टाइम फ्रेम टू बी पिक्ड। भले ही एनालिसिस आप वीकली में करें, मंथली टाइम फ्रेम में करें, उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ट्रेडिंग जो आप करेंगे, यानी जो ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, वो आप करेंगे डेली टाइम फ्रेम में। अगर आप एडवांस हैं तो आप फर्दर जा सकते हैं लोअर टाइम फ्रेम में, लेकिन अगर आप ये जो मैंने जो भी एरियाज बताए थे, मतलब जहां पर आपकी लाइफस्टाइल बिजी है या फिर आप 9 to 5 जॉब करते हैं, आप बिगिनर हैं, आपके पास चार्ट ज्यादा देखने का टाइम नहीं है, तो फिर आपको डेली टाइम फ्रेम में ही ये ट्रेड एग्जीक्यूट करनी होती है। ठीक है, नाउ मार्केट एनालिसिस टू बी डन एवरी डे एट 4 AM इंडियन टाइम के हिसाब से। अब इसके लिए ट्रेड एग्जीक्यूट करना या फिर नहीं करना, ये आप डिसाइड करेंगे कितने बजे, लगभग 4 से 5 बजे के आसपास। 5 बजे मैंने इसलिए नहीं लिखा, उसका रीजन बताऊंगा। उसका रीजन ये है कि कहीं ना कहीं हमारे पास 2:30 बजे से, इंडियन मार्केट के हिसाब से 2:30 बजे से 3:30 बजे तक का जो टाइम होता है वो वहां पर एक रोल ओवर का टाइम होता है। वहां पर जितने भी ब्रोकर्स होते हैं वो नया दिन शुरू करते हैं, तो उस दौरान जो स्प्रेड होता है बहुत हाई होता है, लगभग मार्केट क्लोज रहती है। ठीक है, अब 3:30 बजे से 4 बजे के दौरान धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट होता है। अब 4 बजे से सेशन स्टार्ट होता है जो नया, उस सेशन में
कहीं ना कहीं वॉल्यूम क्रिएट होना स्टार्ट होता है। अब वहां पर जहां पर वॉल्यूम अभी क्रिएट ज्यादा नहीं हुआ, आपको वहां पर एंट्री लेनी है पिछले डे के हिसाब से। मैं चार्ट में दिखाऊंगा आपको किस तरह से, यानी लास्ट डे के कैंडलस्टिक के हिसाब से आपको मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में एंट्री लेनी है। क्योंकि अगर आप अर्ली मॉर्निंग में एंट्री नहीं लेंगे, अगर आप 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे मार्केट देखेंगे, तब तक क्या होता है, जो पिछले दिन का कैंडल है उसके हिसाब से मार्केट लगभग आधी दूरी तय कर चुकी होती है। यानी जो मॉर्निंग सेशन होता है उसमें जो वॉल्यूम आता है, तो कहीं ना कहीं पिछले दिन के हिसाब से मार्केट जिस डायरेक्शन में आपकी प्रेडिक्शन होगी उस डायरेक्शन में ऑलमोस्ट मूव कर चुकी होती है। जो कहीं ना कहीं आपका जो प्रॉफिट टारगेट है उसका लगभग आधा, मतलब 1:1 का टारगेट ऑलमोस्ट पहले हिट कर देता है। तो इट्स बेटर कि आप एटलीस्ट आप अर्ली मॉर्निंग में हैबिट डालें कि 4:30 के आसपास एक बार मार्केट को, पूरी फॉरेक्स मार्केट को जो है चेक करें, ठीक है। प्राइस शुड बी एट मेजर स्ट्रक्चर लेवल। तो इसके लिए अब एक चीज और कंडीशन है कि जो प्राइस आपका है क्लोजर, जो प्राइस है लास्ट डे का, वो एक स्ट्रक्चर लेवल पर होना चाहिए अगर आप एंट्री की सोच रहे हैं, ठीक है। अब वो स्ट्रक्चर लेवल क्या है, मैं अभी आपको चार्ट में दिखाऊंगा। अगला है, वो जो स्ट्रक्चर लेवल है वो एटलीस्ट 2 बार टेस्ट होना चाहिए पास्ट में। यानी अभी जहां पर प्राइस है उस लेवल को पास्ट में मिनिमम 2 बार जो है मार्केट ने रिस्पेक्ट किया होना चाहिए। दैट माइट बी सपोर्ट और रेजिस्टेंस, कहीं से भी, ठीक है। और अगला है, वेट फॉर द कैंडलस्टिक पैटर्न्स टू फॉर्म। और कौन कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न है, उसमें 2 ही तरह के कैंडलस्टिक लिए मैंने। पहला इनगल्फिंग, दूसरा है पिन बार। केवल बहुत आसान ट्रेडिंग रूल्स बना रखे हैं, केवल इनगल्फिंग कैंडल चाहिए हमें और दूसरा चाहिए पिन बार। और रिस्क टू रिवॉर्ड आपका होगा 1:1.5 का एवरी सिंगल टाइम। जब भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, एक आपका होगा स्टॉप लॉस और 1.5 यानी 1:1.5 आपका होगा प्रॉफिट टारगेट, या फिर आपका दूसरा प्रॉफिट टारगेट हो सकता है एज पर द मार्केट स्ट्रक्चर। 2 ही तरह के आप इसमें स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं। यू आर ओपन किया तो 1.5 कब रखिए, या फिर आप आसपास जो भी आपका स्ट्रक्चर है जो कि 1.5 से ऊपर होगा वो आप रख सकते हैं, 1.5 से नीचे नहीं रखेंगे। अगर नहीं है वहां पर स्ट्रक्चर के हिसाब से तो आप उसको पास ऑन कर जाएंगे, उस ट्रेड को नहीं एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। और इस स्ट्रैटेजी के लिए अगर आप जो रियल अकाउंट है उससे आप इसको ट्रेड कर रहे हैं, तो एटलीस्ट $500 का आपका अकाउंट होना चाहिए मिनिमम। अगर अमाउंट नहीं है इतना भी तो आप डेमो ट्रेड कीजिए तब तक। छोटे अकाउंट से अगर ट्रेड करेंगे तो चांसेस ये हैं कि आप उस अकाउंट को कहीं ना कहीं खो देंगे, ठीक है। क्योंकि $500 से कम अमाउंट से अगर आप ट्रेड करना एग्जीक्यूट करते हैं इस ट्रेडिंग में, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस स्ट्रैटेजी में आपको जो है लॉस ज़्यादा हो सकता है। तो एटलीस्ट $500 आप मेंटेन रखिए। अगर अमाउंट नहीं है तो आप डेमो ट्रेडिंग कीजिए, उसके बाद फिर $500 से आप स्टार्ट कीजिए। तो लास्ट इसमें है, यह है रिस्क पर ट्रेड कितना है, 2-3%। यानी आप एक ट्रेड में केवल 2-3% का रिस्क ले सकते हैं इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के हिसाब से। एक और पॉइंट इसमें है, वह है कि एक ट्रेड लेना है एट अ टाइम। यानी एक ट्रेड आपका चल रहा है तो उसके साथ साथ दूसरा एक और ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है आपको। केवल एक ट्रेड जब तक क्लोज ना हो, या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर आपका प्रॉफिट टारगेट हिट होगा, उसके बाद ही आप अगले ट्रेड में मूव करेंगे। सो अब बात करते हैं रूल्स क्या क्या हैं जो चार्ट पैटर्न में हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले देखने हैं। सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग पोजीशन, जो कि बाइंग की पोजीशन होगी। तो उसके लिए हमारे पास कैंडलस्टिक पैटर्न्स होंगे 2 तरह के, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बुलिश पिन बार। इनगल्फिंग कैंडल क्या है, इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो मैंने डाली है जिसमें आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स की एक प्लेलिस्ट बनी है, वहां पर जाके चेक कर सकते हैं। और दूसरा बुलिश पिन बार, इसको हम बोलते हैं हैमर कैंडल भी, ठीक है। हैमर कैंडल और इनगोल्फिंग, हैमर के लिए हमारे पास ग्रीन या फिर रेड कोई भी कलर हो सकता है, लेकिन एक विक रिजेक्शन हो, लॉन्ग विक रिजेक्शन जो कि एक पिन बार तैयार कर रहा हो, यह है लॉन्ग पोजीशन के लिए। और ऐसे ही शॉर्ट पोजीशन के लिए होगा बैरिश इनगोल्फिंग कैंडल, सेम उसका ऑपोजिट, जो बुलिश था उसका सेम ऑपोजिट होगा। और दूसरा इन्वर्टेड हैमर या फिर शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी जो पिन बार है वो कहीं ना कहीं जो ऊपर पिन बार बनती है, यानी जो रेजिस्टेंस के आसपास जो पिन बार बनती है उसको हम शूटिंग स्टार या फिर इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं, और जो नीचे सपोर्ट के आसपास पिन बार बनती है उसको हम बोलते हैं हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न।
सो गाइज ये केवल दो ही पैटर्न आपको देखने हैं। अगर मैं सेलिंग की बात कर रहा हूँ तो अगर रिजेक्शन के आसपास यानी जो रेजिस्टेंस के आसपास अगर मुझे एक बेरिश एनगोल्फिंग कैंडल दिखता है या फिर एक शूटिंग स्टार कैंडल दिखता है पैटर्न, तो वहां पर मैं सेल की एंट्री लूंगा। लेकिन उसके लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग एरिया को जो है पहले डिफाइन करना होगा, जो जोन जो है पास्ट में एटलीस्ट दो बार टेस्ट हुआ हो, तो वहां पर हम उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं किस तरह से ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया जा सकता है। ठीक है, ऑलराइट, ये है मेरे पास डेली टाइम फ्रेम में पाउंड डॉलर का चार्ट, और इसके लिए प्राइस का जो स्ट्रक्चर है हमने यहाँ पर देखिए, ये एक जोन हमने यहाँ पर बनाया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस जोन पर हमें बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर हमें दिख रहा था यहाँ पर पास्ट में इस एरिया में, क्योंकि यहाँ से बहुत स्ट्रांगली मार्केट नीचे क्रैश हुई थी, और इसी एरिया को पास्ट में देखिए एटलीस्ट दो बार हमारा रूल था, तो बहुत बार मार्केट ने जो है इस लेवल को टेस्ट किया है। तो अब हमें क्या करना था, हमें प्राइस को एटलीस्ट एक बड़े लेवल पे, एक मेजर लेवल पे आने का वेट करना था। ठीक है, और वहां पर हमें चाहिए जो जो हमने कैंडलस्टिक पैटर्न हमने डिसाइड किए थे, कौन कौन से, जो बेरिश एनगोल्फिंग या फिर एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। अब प्राइस हमारे जोन पर आ रहा है और हम देखते हैं कि आगे क्या करना है। ठीक है, देखिए इस लेवल में प्राइस आ चुका है और इस लेवल पर एक ग्रीन या फिर हम कह सकते हैं एक कलर हमें मैटर नहीं करता। हमने यहाँ पर देखा था लास्ट जो स्लाइड थी कि कलर कुछ भी हो, हमें एक लॉन्ग विक रिजेक्शन चाहिए, और इस जोन को अगर आप देखें पास्ट में तो ये बहुत स्ट्रांगली रिस्पेक्ट किया गया है पास्ट में, देख सकते हैं आप। तो यहां पर अगर ऐसे जोन पर अगर हमें मिल रहा है एक विक रिजेक्शन, लॉन्ग विक रिजेक्शन, और उसके बाद एक बैरिश प्रेशर, इनफैक्ट अगर आप इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में भी अगर आप अर्ली इन होना चाहते हैं तो आप केवल जो शूटिंग स्टार कैंडल है उसके जस्ट नीचे प्राइस आने का वेट करें, यानी जो लो है इसको तोड़ने का वेट करें और यहाँ पर आपकी एंट्री हो जाएगी। मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, ग्रीन कलर यहाँ पर कर रहा हूँ, जो ग्रीन है हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर आपकी एंट्री होगी। क्यों? क्योंकि जो ये ग्रीन जो शूटिंग स्टार कैंडल है उससे जैसे ही प्राइस नीचे आता है तो हमारा जो सेल का ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, और हमारी पोजीशन कुछ इस तरह से होगी, लेते हैं यहाँ पर एक पोजीशन टूल और यहाँ पर हमने सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट किया और हमारा स्टॉप लॉस होगा विक जो है उससे थोड़ा सा ऊपर, लगभग 2-4 पिप ऊपर, और पहला टारगेट हमारा है 1:1.5 का यहां पर, या फिर मेजर स्ट्रक्चर के हिसाब से जिसमें हमारा स्ट्रक्चर हो सकता है ये लेवल कि एक बहुत अच्छा रिजेक्शन लेवल है, तो ये लेवल एटलीस्ट हो सकता है ये या फिर इस लेवल के आसपास जो लगभग 1:2 का टारगेट है लगभग। फिलहाल हम 1:5 लेके चलते हैं डिफॉल्ट। अगर आप एडवांस ट्रेडर हैं और स्टॉप लॉस या फिर टारगेट सही से स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर आप जानते हैं तो आप सेट कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो केवल 1:1.5 का टारगेट लीजिए और फिर आप प्ले करते हैं, लेट्स सी कैसा बिहेवियर है। लो, तीसरी कैंडल ने हमारा जो प्रॉफिट टारगेट था वो कहीं ना कहीं हिट कर दिया। 1:1.5 के आसपास हिट होते ही हम मूव कर गए मार्केट से। अगर आपका प्रॉफिट टारगेट स्ट्रक्चर के हिसाब से भी था तो वो भी कहीं ना कहीं 1:2 आराम से हिट हो रहा था और उसके बाद फिर मार्केट का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था। हावेवर हमें इतना बड़ा मूव कैप्चर करने की जरूरत नहीं भी है अगर आप जहां पर ट्रेल कर रहे हैं प्राइस, यानी अपना जो प्रॉफिट टारगेट है उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ा रहे हैं और अपना स्टॉप लॉस
उसको भी कहीं ना कहीं मैनेज कर रहे हैं, तो वो एक अलग स्ट्रैटेजी है, उसके बारे में हम डिटेल वीडियो में फर्दर बात करेंगे। फिलहाल केवल इतना सा कीजिए कि आप 1:1.5 का टारगेट लीजिए और इस स्ट्रक्चर लेवल का वेट कीजिए जहां पर प्राइस ने पास्ट में अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया हो, और एक सेलिंग प्रेशर का वेट कीजिए जिसमें एक इनगल्फिंग कैंडल बुलिश या बेरिश या फिर एक शूटिंग स्टार या फिर हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न का वेट कीजिए, और अर्ली मॉर्निंग में लगभग 5 बजे से पहले यानी 4 से 5 के बीच में आप ये ट्रेड एग्जीक्यूट करें। बिलीव मी, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि 4 से 5 का टाइम ही है जहां पर आपको जो है ये जो ग्रीन लाइन मैंने ड्रॉ करी है, दिस वन, यहां पर एंट्री करने का मौका केवल 4 या 5 बजे ही आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि उससे बाद आपको जो है मौका नहीं मिलेगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप यहां पे देखिए पूरी कैंडलस्टिक, इस कैंडलस्टिक के हिसाब से प्राइस 5 बजे के आसपास लगभग ये जो रेड कैंडल मैंने ड्रॉ करी है इससे नीचे आ गया था। ऑलमोस्ट 20 या 30 पिप का आपने लॉस कर दिया होता अगर आपने 4 बजे ये ट्रेड नहीं किया होता तो एग्जीक्यूट। तो इसलिए अर्ली इन द मॉर्निंग में जहां पर ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है आपको, जब मार्केट जैसी ओपन होती है, नया सेशन स्टार्ट होता है, तो वहां पर आप ट्रेड करते हैं, ठीक है। और ऐसे एक एग्जांपल और देखते हैं इसका, इस जोन पर भी देखिए आप, यहां पर भी कहीं ना कहीं प्राइस ने पास्ट में, अगर मान लेते हैं यहां पर आप का प्राइस है और यहां पर हमें एक इनगल्फिंग कैंडल दिख रहा है, आप देखिए ये कैंडल है, इनगल्फिंग कैंडल दिख रहा है हमें, जिसने रेड कैंडल ने पिछले ग्रीन कैंडल को पूरा इनगल्फ किया है। पहले थोड़ा सा विक बनाई ऊपर, उसके बाद सेलिंग प्रेशर आया स्ट्रॉन्ग, तो पिछले कैंडल को कहीं ना कहीं हमने इनगल्फ कर लिया। जो ये जो 2 कैंडल दिख रही है हमें यहाँ पर, ये 2 कैंडल्स ये कहीं ना कहीं इनगल्फ कर रही है, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को इनगल्फ कर रही है, ठीक है। तो अगर इस जोन को हम देखें पास्ट में, तो पास्ट में इस एरिया पे बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर आया था, और उससे पहले पास्ट में और देखें तो कहीं ना कहीं इस लेवल को मार्केट ने पास्ट में टेस्ट किया है। जी हाँ, ये एरिया देखिए जहां पर कहीं ना कहीं पुल बैक लिया है मार्केट ने, और लगभग इस आसपास में, तो यहां पर अगर हमें इस जोन पे प्राइस है जहां पर एटलीस्ट 2 बार मार्केट ने टेस्ट किया है, और एट द सेम टाइम हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, यहाँ पर देखिए हावी है सेलर्स पूरे, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर भी एक ट्रेड बनता है आपका कुछ इस तरह से, इनगल्फिंग कैंडल जैसी क्लोज होता है वहाँ पर आपकी एंट्री, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो एटलीस्ट कुछ 5 या 10 पिप ऊपर, आपके विक जो यहाँ पर है उससे ऊपर, और 1:1.5 का आपका टारगेट, क्योंकि बहुत इजीली हिट हो रहा था, ठीक है। आई नो ये डेली टाइम फ्रेम है, इस टाइम फ्रेम में लगभग 1 हफ्ता लगा है एटलीस्ट इस ट्रेड को, 1 हफ्ते से भी ज़्यादा इस ट्रेड को विन करने में, लेकिन आप प्रॉफिट देखिए, ये छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं है, लगभग 173 पिप का टारगेट है अगर आप 1:1.5 भी लेके चलते हैं। अगर आप 1:2 या फिर ट्रेल करते हैं, या फिर स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर आप अपने प्रॉफिट टारगेट को ट्रेल करके आगे लेके चलते हैं तो वो फर्दर रहेगा। तो बिलीव मी, ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बहुत काम की है, और इसमें ना तो आपको बहुत छोटे छोटे टाइम फ्रेम में खेलना होगा, ना ही आपको मार्केट को लगातार देखना पड़ेगा, जैसे क्या होता है हम जो है इमोशनल हो जाते हैं, जिस ट्रेड में हम विन भी कर रहे होते हैं वो जब कंसोलिडेट हो रही होती है, या फिर कुछ कभी कभी पुल बैक में हमारे अगेंस्ट जा रही होती है, प्रॉफिट टारगेट के आसपास आके वापस पुल बैक लेता है, तो वो कहीं ना कहीं हमें इमोशनली जो है अटैच कर देता है उस ट्रेड के लिए। हम वहां पर ऑब्लिगेटेड हो जाते हैं कि उस ट्रेड को अल्टीमेटली हमें क्लोज करना पड़ता है, या तो लॉस में या फिर कम प्रॉफिट में। सो इट्स बेटर कि यहां पर आपको एक बार ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, और स्टॉप लॉस टारगेट सेट करने के बाद आपको केवल डे एंड पे देखना है मार्केट, जब आप ऑफिस से आ जाते हैं या फिर आपको जब टाइम मिल रहा है, इवन 2-4-5 घंटे में ब्रेक में, तब आप देख सकते हैं, एल्स आपको पूरी मार्केट में एक एक कैंडल देखने की जरूरत नहीं है, विच इज रियली गुड, जो आपको कहीं ना कहीं जो इमोशनल डिसिप्लिन था उसको मेंटेन करने में हेल्प करेगा। अगर आप एक एक कैंडल लाइव देखते हैं सामने बैठ के, तो वो कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल आपको कर देता है, वो कहीं ना कहीं हमें एक मेंटली सिक इंसान बना देता है, क्योंकि ट्रेडिंग ये बहुत दिमाग वाला काम होता है, इसमें आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज इतनी काम नहीं आती जितना आपका इमोशनल डिसिप्लिन काम आता है।
ठीक है, तो एक प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड रखिए, 2-3% से ज़्यादा रिस्क मत लीजिए एक ट्रेड में, प्रॉपर टारगेट सेट कीजिए 1:1.5 का या फिर 1:2 आपका जो आपका स्ट्रक्चर लेवल है उस हिसाब से ट्रेड का आप वेट करें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर लेवल पर आने का, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर लेवल का वेट नहीं करेंगे, इन बिटवीन ट्रेड ले लेंगे या फिर वहाँ पर सिग्नल नहीं है फिर आप ट्रेड ले लेंगे, तो कहीं ना कहीं फिर अगेन आप उसी कैटेगरी में जा रहे हैं जिसमें 95% लोग जा रहे हैं। अगर आपको मार्केट से पैसा कमाना है, पैसा बनाना है, सो उसकी एक ही चाबी है, वो है पेशेंस। आपको रखना पड़ेगा, आपको स्ट्रक्चर लेवल में आने का वेट करना होगा प्राइस का। अगर आपके स्ट्रक्चर में प्राइस नहीं है तो आप वहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, अगर ये प्राइस स्ट्रक्चर तक नहीं आता है, उससे पहले ही मूव हो जाता है और आपने वो ट्रेड मिस कर दिया, तो आपने अपने कैपिटल में से तो कुछ नहीं खोया ना, आपने एक पोटेंशियल ट्रेड था वो मिस कर दिया। तो आज अगर मिस हुआ है वो ट्रेड कल आने के चांसेस होते हैं, लेकिन अगर आपने आज अगर लॉस कर दिया तो वो लॉस रिकवर होने में आई डोंट नो कितना टाइम लग सकता है। इसलिए फोमो में ना आए, फोमो बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, ट्रेड मिस हो जाएगा, उस डर में आप ट्रेड उस जगह लेते हैं जहाँ से मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है। इसलिए आप ट्रेड ऐसी जगह एग्जीक्यूट करें जहां से आपके अगेंस्ट जाने में ट्रेड को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़े। क्या ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी 100% काम करेगी? उसका आंसर है बिल्कुल नहीं। ट्रेडिंग में 100% कुछ भी नहीं होता, ट्रेडिंग में या फिर किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में आप 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए 100% विनिंग स्ट्रेटजी कोई भी एग्जिस्ट नहीं करती दुनिया में, केवल एग्जिस्ट करता है तो आपका इमोशनल डिसिप्लिन, आपका मनी मैनेजमेंट। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अगर आपका 50% से या फिर 60% से आसपास है, या इवन 70-80% भी हो सकती है, लेकिन मनी मैनेजमेंट और इमोशनल डिसिप्लिन, जिसमें आपके जो ट्रेडिंग रूल्स को जो आप फॉलो करते हैं वो प्रैक्टिस, ये टॉप में रहेगा हमेशा। सो गाइस, ये रहा एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो कहीं ना कहीं आपको एक विनिंग एज में रखेगा अगर आप इसी ट्रेडिंग रूल के साथ ट्रेड करेंगे। और आई नो इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में हो सकता है आपको कभी कभी हफ्तों का वेट करना पड़े, पूरी मार्केट में हो सकता है कि आपको एक हफ्ते बिना ट्रेड के रहना पड़े, मतलब किसी भी करेंसी पेयर में आपको सही सिग्नल नहीं दिखेगा, ये पॉसिबल है। लॉस करने से तो वेट करना आई थिंक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि हमारे दिमाग में जो फील गुड हार्मोन रिलीज होता है जब हम एक्टिव ट्रेड में होते हैं, ट्रेडिंग का सिग्नल मिला हो या ना मिला हो, अगर हम एक्टिव ट्रेड में हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट देखने का जो मज़ा होता है वो कहीं ना कहीं यू नो एक सेंसेशन पैदा करता है हमारे दिमाग में, तो उसी के चलते हम लॉस करते हैं। लॉस करने से अच्छा है कि आप वेट करें और कुछ पैसा ना कमाएं, केवल वेट करें, आपका जो कैपिटल है उसको सेव रखें, उसको मार्केट में अपॉर्चुनिटी आने का वेट करें। उस पैसे को अगर आप अभी एक गलत ट्रेड में एग्जीक्यूट कर देंगे तो अगले दिन मार्केट आपको बहुत अच्छा खासा ट्रेडिंग सेटअप देगा, स्ट्रक्चर देगा, उस टाइम पर आपके पास कैपिटल नहीं होगा ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए, एंड यू विल रिग्रेट कि मैंने वो लास्ट ट्रेड एग्जीक्यूट क्यों किया था, क्योंकि वहां पर तो मुझे कोई सिग्नल ही नहीं मिल रहा था। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है, शायद आपके साथ भी हुआ होगा, ठीक है, और होगा आगे फ्यूचर में अगर आप ट्रेडिंग रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो। आपने सुना होगा ये कि ट्रेड ना लेना भी एक ट्रेड होता है। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपकी थोड़ा सा आंखें खुली होगी और इस स्ट्रेटजी को आप कंटिन्यू फॉलो करेंगे अगर आप एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट चाहते हैं फॉरेक्स मार्केट या किसी भी फाइनेंशियल मार्केट से। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज गिव इट अ थम्स अप, एंड फॉर फ्यूचर वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। सो विद दैट सेड, दिस इज योर कोच Lastly Spoken, signing off.